जोधपुर के रेलवे स्टेशन के माल गोदाम चौराहे पर ठेले वालों और ऑटो चालकों का जमावड़ा लगा रहता है और इसी वजह से जब भी मेट्रो बस यहां से गुजरती है तो ट्रैफिक जाम के हालात बन जाते हैं और यही समय ट्रेनों के जबलपुर स्टॉपेज कभी होता है और सवारी बिठाने के लिए ऑटो चालक आपाधापी करने लगते हैं। इस बात से रोजाना मेट्रो चालकों से उनका विवाद होता रहता है। ऑटो चालकों और मेट्रो कंडक्टर के बीच में फिर विवाद हो गया। इस दफा ऑटो चालकों पर आरोप लगा है। उन्होंने बेवजह मेट्रो बस कंडक्टर रजनीश मिश्रा की बहरहमी से पिटाई कर दी और मेट्रो बस संचालक सिविल लाइन थाने पहुंच गए और यहां पर उन्होंने ऑटो चालकों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। मेट्रो बस कंडक्टर को काफी चोट आई है और उसे मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में ऑटो चालकों पर कार्रवाई की जाएगी। मेट्रो वाले आए थे क्या? जी, माल गोदाम चौक पर मेट्रो और ऑटो वालों के बीच में सवारी को लेकर कुछ विवाद हुआ था जिसमें मारपीट हुई है, हल्की चोट भी आई है। तो हमने अभी मेडिकल के लिए भेजा है और मामला कायम कर रहे हैं। मैडम, यहाँ से मतलब क्या जो फल वाले हैं जिनको हटा दिएगा फिर से वहीं जम गए हैं, इसके लिए क्या था? जो फल वाले हैं उन्होंने पहले उनके रोड पर ठेले लगाने की समस्या हमारे सामने आई थी जिसमें कि जितने भी उनके जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको फुटपाथ के ऊपर कर दिया गया है। जो नीचे एक फल का ठेला लगता है वो विकलांग व्यक्ति हैं, इस कारण से उनको अनुमति दी गई कि वो नीचे मतलब लगा देते हैं, वो नीचे अपना ठेला लगाते हैं, बाकी फुटपाथ के ऊपर ही रहते हैं ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। हाँ भी कल की बात है, कल की ये समस्या ऐसे आती है सर, जब भी हमारा गाड़ी अंदर आता है तो सर ऑटो वाले क्या होते हैं एकदम से हमारे आगे बस के आगे ऑटो लगा लेते हैं, है ना। या फिर ठेला वाले भी वहाँ पे बहुत सारे हैं, उनकी वजह से ट्रैफिक लग जाता है इन लोग मतलब सर। और आए दिन हमारे के साथ क्या है मारपीट की घटनाएं होती हैं। तो आज सर हमारे कंडक्टर की जैसे टर्निंग पे हमारे आगे ऑटो लगा था, पीछे में बस थी, बस रुक गया और इन लोगों के बाजू में ठेला भी था, तो भाई इनकी कुछ कहा सुनी हो गई होगी, उतने में गाली गलौच हुआ, इसके बाद फिर इन लोग की मारा पीटी हो गई इन लोग के, है ना, हाथापाई हो गया। इसमें हमारे जो कंडक्टर हैं वो घायल भी हो चुके हैं, अभी चिकित्सा अस्पताल गए हैं, बाकी आ जाएंगे फिर उनके बाद पता चलेगा। अभी आए हैं थाने यहाँ पे, FIR देखते हैं सर आगे क्या कार्रवाई करते हैं। क्या गाड़ी नंबर क्या है? गाड़ी नंबर है सर जी MP20 736 सारी। और क्या नाम है उसका जिसको मारते हैं? रजनीश मिश्रा, है ना सर। तो क्या थोड़ा प्रशासन से कहना चाहते हैं सर, थोड़ा सा व्यवस्थाएँ थोड़ी सी तंदुरुस्त करें सर, आए दिन वहाँ दिक्कतें होती रहती हैं। सर मेरा नाम बीरेंद्र मरावी है सर। हम लोग का एक्चुअली क्या है, मेट्रो वाले हैं, मेट्रो टन मालगोदाम से अंदर आती है, ठीक है। उस टाइम जो है ट्रैफिक की बड़ी ट्रैफिक को लेकर बड़ी व्यवस्था समस्याएँ हैं, इसलिए जो है वहाँ ट्रैफिक लगता है ऑटो वाटो या ठेला की वजह से।
और मेट्रो रुक जाती है, उस वजह से समझते हैं ऑटो वाले कि मेट्रो वाला सवारी बिठा रहा है, और मारपीट आए दिन मारपीट कर दी जाती है। आज जो है कंडक्टर के साथ हुआ सिर्फ इसी को लेके, उस टाइम ट्रेन की सवारी भी थी और ट्रैफिक काफ़ी था, बस रुकने से ही उन लोग समझे कि ये बस जो है सवारी बिठा ली है, उस दौरान उन्होंने कंडक्टर को मारपीट कर दी। क्या नाम है कंडक्टर का? कंडक्टर का नाम रजनीश मिश्रा। कौन सी गाड़ी है? जी MP20 BA 0736 736। तो ये घटनाएं रोज हो रही हैं, मतलब अधिकतर आए दिन ऐसा होता रहता है, सिर्फ जाम चौराहा जो है जाम की वजह से। और क्या ऑटो वाले वहां झुंड लगा लेते हैं, वो ऑटो ठेला वेला जो है बस निकलने में बड़ी चोट आई है उसको, बताया जाता है अगर मुलाजी के लिए गया है वो तो वहीं क्लियर होगा कि उसको अगर हुआ क्या। नाम बताया आपका? सत्यनारायण दुबे। चलो बताओ। जब बोलना उसने गाली दिया माँ बहन की, बोले तहीं तहीं बैठाएगा का, हम नहीं बैठाएंगे, तो हमने आगे बढ़ा लिया गाड़ी, तूने पकड़ के कॉलर खींच लिया और मारा पीटी करने लगे उन्होंने। कौन थे ऑटो वाला? वो ऑटो वाला था एक मामू करके है, वो फल का ठेला लगाता है। कहाँ पे हुई घटना? ये रेलवे स्टेशन 6 नंबर प्लेटफार्म पे। तो क्या पहले भी ऐसी घटना हो चुकी? पहले भी हाँ ऐसी हो चुकी हैं, 2-4-10 बार हो चुकी हैं, एक बार नहीं। तो किस वजह से आप लोग को परेशानी जाती, क्या परेशान? वही सवारी की वजह है, वही सवारी हमारी है, वो बोलता हमारी है। और मोड़ की वजह से तो नहीं हुआ? जो मोड़ पे नहीं नहीं वो सब मोड़ की वजह से नहीं हुआ। कहाँ कहाँ टूटे आए आपको? वे हाथ पे आई है, सीने पे भी मारा है, पीठ पे भी मारा है, बाल पकड़ के भी खींचा है, शर्ट भी फाड़ दिया, ऊपर के जेब में पैसे थे वो भी सब खींच लिया, 6-7 हज़ार रुपये अर्निंग थी मशीन, सब उसने खींच लिया। वो आप उनके नाम जानते हो? नाम मामू बोलते थे, बाकी अपन कैसे जानेंगे ऑटो वालों का नाम। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जबलपुर से आशीष वात्री की रिपोर्ट।